हाँ जी, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 12th एंड 14th, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 12th में बेटा हमारे पास क्या गिवन है, लेट अस सी. लेट ए बी सी जो है, दीज आर द वेक्टर्स दैट इज गिवन टू मी. तो बेटा उसमें जो है जो भी वेक्टर दिए हैं, लेट अस डू और राइट दीज वेक्टर्स. तो मेरे पास जो है बेटा यहाँ पर जो वेक्टर्स दिए हैं, हाँ जी बेटा, जो वेक्टर्स दिए हैं आई एम राइटिंग इट. ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है दैट इज i प्लस 4j प्लस 2k, और बी वेक्टर्स जो है दैट इज 3i माइनस 2j प्लस 7k, एंड सी वेक्टर जो है 3i माइनस j प्लस 4k. ओके, फाइंड वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a एंड b. एक d वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है a एंड b के, और मुझे दिया हुआ है c डॉट d जो है वो 15 के इक्वल है. ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चंस वैल्यूज चेंज करके बेटा. अब सबसे बड़ी बात है कि अगर डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो दैट मींस हमने आगे भी एक एग्जांपल किया था दैट इज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी ना, क्योंकि लैम्डा मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर भी हो सकता है वो नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए वो लैम्डा स्केलर मल्टीपल पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ए क्रॉस बी तो मुझे पता चल जाएगी. सबसे पहला काम है ए क्रॉस बी निकालना. ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आई जे और के. तो मेरे पास जो है ए आई कोफिशिएंट लिखेंगे 1, 4, 2 और बी के 3, -2 and 7. अब बेटा कैलकुलेट करें तो मेरे पास आई के साथ ये क्या 28 प्लस जो है 4, 32. मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ. ठीक है, उसके बाद माइनस और मेरे पास जे आना है, ये कॉलम गया ये रो गया, तो 7 - 6 1 आएगा प्लस के कैप जो है मेरे पास ये कॉलम गया ये रो गया -2 - 12 - 40. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास लैम्डा टाइम्स जो है ये वेक्टर आ गया और मेरे पास आया 32i माइनस जे एंड -14k कैप. ये आ गया, अब डी वेक्टर तो आ गया मेरे पास मतलब, बट यहाँ लैम्डा की वैल्यू अननोन है. अब लैम्डा कहाँ से निकालनी, अब बेटा देखो उन्होंने दिया हुआ है c डॉट d दैट इज 15. ये देखिए c डॉट d दैट इज 15, d मेरे पास ये है, c मेरे पास पूरा दिया. डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई आई के कोफिशिएंट, जे जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट होता है ना. तो हम क्या करें यहाँ पर, अब c डॉट d दैट इज 15. अब देखिए मैं डॉट प्रोडक्ट सीधा निकाल रही हूँ, 3 यहाँ पर है 32 ना, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 96 लैम्डा आ जाएगा. तो आई विल राइट 96 लैम्डा. ओके जी, प्लस अब जे जे बोले माइनस इंटू माइनस 1 तो वो लैम्डा हो गया. ठीक है जी, और के के बोले ये 14 मल्टीप्लाई बाय 4 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 56 और नेगेटिव भी आएगा, -56 लैम्डा इज इक्वल टू 50. अब यहां से बेटा आप लैम्डा की कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू. जब आप कैलकुलेट करोगे ये जगह 97 में से 56 के तो मेरे पास आया 1 और 4 मेरे पास, चेक कर लेना बेटा, 97 माइनस 56 और 1 और 4 41 जो है लैम्डा इज इक्वल टू 15 और लैम्डा की वैल्यू 15/41. बड़ी अजीब सी आ रही है, तो दैट मीन मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो, एक बार चेक कर लें हम लोग जो है. मुझे लगता है कि
मैंने सी कंपोनेंट के अगर मैं वैल्यूज देखूं तो आई हैव रिटन रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर टू है बेटा. इन द स्टेटमेंट इट इज रिटन, इफ यू सी द सी वेक्टर टू यहाँ पर था. देखिए मुझे वैल्यू से ही पता चल गया, बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है ऐसे. तो क्योंकि बार बार हाथ से क्वेश्चन निकली होती है तो आंसर कहीं ना कहीं देख के सही लग जाता है. तो यहाँ दैट मीन्स कि जब मैंने सी के साथ यहाँ डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरा गलत हो जाएगा. देखिए तो ये 32 इंटू 2 मेरे पास जो है कितना बनेगा, दैट इज 64. यहाँ पर ही मैंने देख लिया कि कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू जो है 65. ओके और ये 1 और मेरे पास जो है 11 जो बन रही है, दैट मीन्स 15/11. अभी भी मेरे को लगता है मैंने कोई वैल्यू ही पूरी सेम जो है वो गलत कैलकुलेट कर ली है. 64 और अगले में लैम्डा, देन बेटा माइनस जो है 16 और माइनस 56 इक्वल टू 15. 65 माइनस 56 जो है, यस यहाँ से हमने माइनस ही गलत किया है. और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे 5 और 4 9 और 19 सॉरी 9 आएगा मेरे पास. देखिए ओके अब 3 5 3 3 ओके कैलकुलेशंस देख लेना बेटा. रसिका नाउ सी द कैलकुलेशंस. अब ठीक है बेटा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मुझे याद थी 5/3 ही. ओके एनी प्रॉब्लम रसिका? यस रसिका बेटा, यस हो गया, यही पूछना था. ठीक है ठीक है ओके. तो 5/3 मेरा आंसर आया लैम्डा का. तो दैट मींस डी वेक्टर, यहाँ पर लैम्डा हम पुट कर देंगे. तो क्योंकि हमें कैलकुलेट करने को जो दिया हुआ था उन्होंने कहा था कि डी वेक्टर कैलकुलेट करो, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 5/3 पुट करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वेक्टर. ओके बेटा क्लियर. Now let us move toward question number 14. जो problem थे तो let us do question number 14th. अब question number 14th में क्या दिया हुआ है हमारे पास, let us see. It is written that if A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, सबका magnitude equal है and mutually perpendicular, मतलब A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, C is perpendicular to A, जो आपके थ्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे होता है बिल्कुल वैसे. ओके बेटा तो नाउ दे राइट शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी निकाल रहे दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड जो है बेटा सी वेक्टर. ओके अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ए इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, दैट मींस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल. ओके बेटा अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला वेक्टर इसके भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. अब अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है That means हमने एंगल निकालना है किसके साथ, ए वेक्टर का इस पूरे के साथ, फिर बी वेक्टर का इस पूरे वेक्टर के साथ, सी वेक्टर का इस पूरे वेक्टर के साथ, एंगल से निकालने और शो करने है कि वो क्या है इक्वल है. मैं ऐसा करती हूँ मैं लेट कर लेती हूँ इतना बड़ा बार बार लिखने की बजाय कि वी वेक्टर मैं ले लेती हूँ ए प्लस बी प्लस सी. ओके तो दैट मीन्स अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v वेक्टर डॉट a वेक्टर, मतलब v एंड a दोनों का हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है. तो मैं स्टार्ट करूंगी कि लेट अल्फा जो है बी द एंगल, अल्फा बी द एंगल जो है विच v वेक्टर मेक्स विद a वेक्टर. तो दैट मींस मैं क्या करूंगी, कॉस अल्फा निकालूंगी, क्या होगा v डॉट a ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a, यही मेरे पास फॉर्मूला होता है ना बेटा. अब देखिए मैं v की वैल्यू पुट करती हूँ, लेट अस
पुट द वैल्यू ऑफ बी हियर। जब मैंने पुट किया तो बेटा मेरे पास होंगे ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए वेक्टर है। अब मैं इसको ओपन कर दूं, मेरे पास क्या बना, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए। नीचे वाली टर्म ही नहीं लिखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके सेम हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए डॉट ए मेरे पास जो है क्लियर कट अगर हम देखें तो मेरे पास एंगल क्या निकलेगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ये आ गया ए स्क्वायर। बी डॉट ए जीरो के इक्वल है, सी डॉट ए जीरो के इक्वल है, हमने यहां पर लिखा था। तो ये खत्म हो गया ओवर दिस एंड दिस, एक का एक से खत्म हो गई। वैल्यू क्या बची, ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। वी की वैल्यू आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे बी वेक्टर का इसके साथ, तो मान लीजिए एंगल बीटा है, तो वी विल गेट कॉस बीटा एज बीटा मैग्नीट्यूड ओवर वी मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, एंड कॉस ऑफ गामा जो है वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा स्टार्टिंग में दे राइट देयर कि मेरे पास जो है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। व्हाट डज इट मींस कि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये गिवन है कि ऑल आर इक्वल। तो दैट मींस फ्रॉम हियर जो है मैंने कैलकुलेट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिनोमिनेटर सबका सेम है और न्यूमिनेटर भी सेम है, लेट इट बी फोर्थ। तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री एंड फोर हमारे पास क्या आ गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है जी। तो दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज, जल्दी बेटा दोज हु हैव डन यू कैन आस्क मी, मैम दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा, कनुभा फतेह चंदन रसिका राणा प्रभनूर लक्षित ने मुझे बता दी हरनूर सिंह अपूर। बेटा एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन दैट इज नॉट क्लियर टू यू फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज यू कैन आस्क मी, आई हैव गिवन यू द होमवर्क यू कैन टेल मी। हाँ जी कनुभा बेटा किया, ओके राणा इज सेइंग कि मैम ओके। हाँ जी कनुभा फतेह चले बेटा फिर आगे, अपूर हरनूर प्रभनूर कौर बेटा, प्रभनूर हैव यू ट्राइड द क्वेश्चंस, प्रभनूर ओके 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 बेटा दैट मींस यू हैव डन। चलिए देन दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। बता दें कि इस चैप्टर में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ओके दैट इज डिलीटेड बट दैट कैन बी यूज्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर टू डू द क्वेश्चन इन अ शॉर्टकट मेथड और टू मेक द कैलकुलेशंस इजी। तो एक बार सिर्फ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अगले चैप्टर में उसकी प्रॉब्लम ना आए, है ना। सिर्फ वो इवैल्यूएट करना आपको आना चाहिए और कुछ भी नहीं, जहां पर वो आएगा मैं आपको बताऊंगी बार बार, ठीक है ना। तो लेट अस डू दैट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस और थर्ड के बीच में डॉट, इंटरचेंजेबल भी होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर ए बी सी मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो बेटा कई बार हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ना ऐसे भी लिख देते हैं, ओके दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। और बेटा कैसे,
पहला फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री, फिर दूसरे वेक्टर के बी वन बी टू बी थ्री, फिर थर्ड वेक्टर के सी वन सी टू सी थ्री, बस दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, और कुछ नहीं बताना मुझे, क्योंकि इवैल्यूएट करना बस आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे प्लेन्स में यूज होता है। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पक्का आता ही आता है, 100% आता ही। ओके जी, तो वो चैप्टर में हमने पूरे चैप्टर को ना टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, थ्री डिमेंशनल जो है डिमेंशनल ज्योमेट्री को मैंने पूरा टू पार्ट्स में किया, एक लाइन के बारे में जानना और दूसरा बेटा प्लेन के बारे में पता होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अब लाइन एंड प्लेन पूरा चैप्टर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब लाइन और हमने प्लेन तो किया हुआ है, प्लस वन में भी लाइंस की है, फिर क्या फर्क है इस चैप्टर में और उस चैप्टर में? यहां जो हम लाइंस कर रहे हैं ना वो 3D में कर रहे हैं। एक लाइन है एरो है, अगर वो 3D में मूव करता है ऐसे, मैं ऐसे चौक को स्ट्रेट एरो, जब हम तीर कमान से एरो को करते हैं तो वो 3D में मूव करता है। लेकिन जो हमने प्लस वन में की थी ना लाइंस की इक्वेशन, अगर आपको याद हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, वो 2D में की थी, वहां सिर्फ xy था, यहाँ पर z भी आएगा और इक्वेशन भी चेंज। इसमें वेक्टर फॉर्म भी करनी है हमने और नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म भी करनी है, आपको दोनों ही अच्छी तरह पता होना चाहिए। साथ साथ करोगे ना बेटा तो ये चैप्टर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे स्कोरिंग और इजी, और एक्टिव रह के आंसर सो देखो आपको यहीं पे लर्न हो जाए। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर लाइन। ओके, अब लाइन सबसे पहले हम बात करेंगे एक लाइन के डायरेक्शन जो है मेरे पास रेशियोज या कोसाइंस की। ठीक है ना, हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस में हम क्या करते थे, हम आगे करते थे कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है ना हम उसका कॉस ले लेते थे, वहां स्लोप लेते थे। यहाँ हम स्लोप की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रही है और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रही है, तो हम कहते हैं कि उस लाइन के डायरेक्शन को साइन, यहाँ लाइन ना एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है, हमने ये किया था ना कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को साइन से। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन फिर वो हो जाता है कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा एंड कॉज ऑफ गामा। ओके बेटा, अब डायरेक्शन को साइन आ गए तो डायरेक्शन रेशियो भी अपने आप आ जाते हैं। बेटा मैं इसमें से अगर कॉमन फैक्टर कोई काट दूं, कोई भी वैल्यू कॉमन आ रही, इफ आई कट इट कैंसिल इट और टेक इट कॉमन, कॉमन लेके खत्म कर देना, तो दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोस। तो डायरेक्शन को साइंस को हम एल एम एन से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो डायरेक्शन को साइंस की जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल्स टू वन होती है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो की कभी भी वन नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए आपको एक जो है लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे दिया, मान लीजिए वन टू थ्री, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, मेरे को देख के ही पता चल गया कि ये डायरेक्शन रेशियो है। क्यों बेटा?
क्योंकि यहां पर मैं स्केयर करके ऐड करूं ना तो वन नहीं बन रहा। अब डायरेक्शन रेशियो से अगर मैंने डायरेक्शन को साइन पे जाना, हमने वेक्टर में भी ये किया हुआ था, तो बेटा क्या करते हैं हम, इसके मैग्नीट्यूड से एक तरह का डिवाइड कर देते हैं। बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ना, कैसे, वो वन का स्केयर प्लस टू का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर, नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, यानी ये। तो आप अब इनका स्केयर करके ऐड कर लो तो ये वन बनता है। पहला कॉन्सेप्ट है ये आपकी बुक का, ठीक है। पेज मैंने 465 तक आपको सब कुछ समझा दिया, क्लियर बेटा, कि मेरे पास क्या है कि डायरेक्शन को साइंस का स्केयर करके ऐड करें तो वन के इक्वल होता है, लेकिन रेशियो में ऐसा कुछ नहीं। ओके जी, अब बेटा ये तो था कि अगर मुझे एंगल पता है उस लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, अगर मुझे उस लाइन के एंगल्स नहीं पता है तो मैं डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालू या डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालू। सिंपल, अब है राइट डाउन द डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए, पहले लिखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू जो है टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू, मेरे पास जो है एक्स टू वाई टू जेड टू। ओके बेटा, अब डायरेक्शन को साइंस अगर मैंने, ये पहले रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं सिंपल, इन पॉइंट्स को माइनस करो दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, जैसे पोजीशन वेक्टर एक निकालते थे ना पॉइंट का, सेम वैसे। ओके बेटा, तो मेरे पास जो है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए मेरे पास। ओके, अब डायरेक्शन रेशियो पता है तो कुछ साइन तो बना ही सकते हो ना, क्या करेंगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे बेटा, और कुछ समझ आ गई बेटा बात, ये सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। चलिए बेटा लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा, अब इसी पर बेस्ड है हमारे पास एग्जांपल। फर्स्ट है व्हाट इज रिटन देयर, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 60 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए बेटा कौन बताएगा, हरनूर कोशिश करो, अगर मुझे एक लाइन के एंगल्स बताए हैं कि ये तीन एंगल्स हैं एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तो आप मुझे बताइए बेटा कि उसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे। हरनूर बेटा अनम्यूट करो बेटा, साथ साथ ये चैप्टर करोगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत ही बता सकते हो ना, कोई बात नहीं हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। चलो हरनूर बेटा अनम्यूट करो, हरनूर दिस इज बैड, हरनूर बेटा मैम तो सिर्फ आपको यही कह रहे हैं, एटलीस्ट अनम्यूट तो करो। चलो नेक्स्ट बेटा प्रभनूर, प्रभनूर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी प्रभनूर मुझे बताइए, अगर एंगल दिए हुए तो डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालेंगे बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, दैट मींस कि हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ एंगल लेंगे, कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 30, तो आपके डायरेक्शन जो है कोसाइंस निकल आएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल टू में, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, उन्होंने डायरेक्शन रेशियो दी है टू माइनस वन एंड माइनस टू, उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन को साइंस निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट टर्न, हाँ जी बेटा लक्षित इट्स योर टर्न, हाँ जी बेटा बताइए कि अगर डायरेक्शन रेशियो दी है तो कोसाइंस कैसे निकालेंगे। मैम उसकी हेल्प से मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कि उसके एक्स वाले कोफिशिएंट और वाई और जेड वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और ऐड करके और अंडर रूट करके उससे डिवाइड कर दें हर एक्स वाई जेड वाले कंपोनेंट से, तो यू विल गेट अ डायरेक्शन कोसाइन, है ना, वेरी गुड।
नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल थ्री वॉट इज रिटन हियर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स दे जस्ट राइट हियर कि अगर मेरे पास टू पॉइंट्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल टू थ्री के तो देखिए इट इज रिटन देयर माइनस टू फोर फाइव एंड माइनस फाइव एंड द नेक्स्ट इज वन टू एंड थ्री तो बेटा मुझे बताइए हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन्स नेक्स्ट टर्न बेटा हाँ जी रसिका रसिका बताइए बेटा हाउ टू डू मैम दोनों के मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वालों को माइनस कर देंगे बिल्कुल करेक्ट बेटा दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मतलब एक्स एक्स वाले माइनस कर दें वाई वाई वाले और जेड जेड वाले तो यू विल गेट डायरेक्शन रेशियोज पहले आप दिस माइनस दिस करोगे तो थ्री आया दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस टू आया दिस माइनस दिस करोगे तो एट आया ये डायरेक्शन रेशियोज है अब मुझे क्या चाहिए डायरेक्शन कोसाइन्स तो डायरेक्शन कोसाइन्स लेके आने के लिए आप क्या करोगे मैग्नीट्यूड से सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा 9 प्लस 4 प्लस 64 ओके बेटा क्लियर चलिए नेक्स्ट बेटा ऐसे ही मेरे पास एग्जांपल फोर्थ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस वेरी इजी अब एक्स एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाती है बेटा यू नो इट एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाती है जीरो है ना तो कॉस ऑफ जीरो और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है 90 तो दैट मींस कॉस 90 और कॉस 90 तो बेटा मेरे पास क्लियर कट 1 0 और 0 ये एक्स एक्सिस का हो गया अब मुझे किसका कैलकुलेट करना है वाई एक्सिस का तो बेटा क्या करेंगे y एक्सिस के लिए व्हाट वी हैव टू डू यहां पर cos 90 आ जाएगा यहां पर cos 0 आ जाएगा यहां cos 90 आएगा तो y एक्सिस के लिए 0 1 0 बन जाएगा और z एक्सिस के लिए 0 0 और 1 बन जाएगा बेटा और कुछ भी क्लियर बेटा सबको बात क्लियर है करें बेटा आगे चलिए लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल 5 शो दैट दीस थ्री पॉइंट्स आर कुलीनियर अब बेटा आप बहुत सारे वेक्टर वाले मेथड से भी कर सकते हो है ना आप 10th क्लास का मेथड करते हो एरिया का वो इंप्लीमेंट नहीं करना अगर सब्जेक्टिव पेपर है क्योंकि वो एक्सेप्टेबल सॉरी नहीं होता ओके बेटा तो यहाँ आपने क्या करना है वेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है या 3D वाला अब कुलीनियर के लिए मैं क्या करूंगी बेटा मैं डायरेक्शन चेक करूंगी अगर मेरे पास थ्री पॉइंट्स हैं ए बी सी ओके अब मैंने क्या किया यहां पर ए बी सी से देखिए कि मैंने ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल ली मैंने जो है बी सी के निकाल अगर इनके डायरेक्शन रेशियो सेम या प्रोपोर्शनल है तो 100% ये लाइन आपस में पैरेलल होगी बट जो है अगर इसका एंडिंग पॉइंट और उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो 100% ये ए बी और बी सी ये पॉइंट्स पैरेलल नहीं होंगे वो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स लगेंगे ये आपको लिखना पड़ता है सिंस द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट लाइन सो दीज थ्री पॉइंट्स मस्ट बी कोलीनियर बट पहले डायरेक्शन रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शनल या सेम होने चाहिए ओके बेटा क्लियर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज सारी की सारी एग्जांपल्स पर बेस्ड है You have to try them. Okay. If any problem, you can tell me day after tomorrow. Okay. Today, अब बेटा जो है time होने लगा है तो मैं next topic start नहीं कर रही तो फिर क्योंकि आपको clear नहीं होगा तो एक बात